India, and our favorite one, our hearts, and made India proud. Virat Kohli, you are the best. Hello guys, welcome to my channel. Tasty Light Two Eyes. और आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच और है छोटी दिवाली. तो आपको मैं हाइलाइट्स दिखाती हूँ आज हमारे घर में कैसा हो रहा है. अब तो आप जैसे जानते ही हैं कि इंडिया मैच जीत चुकी है. वी ऑल आर एक्साइटेड एंड मैच भी था पाकिस्तान के खिलाफ. तो पाकिस्तान को हरा के इंडिया वाले तो हो गए हैं बिल्कुल एकदम दिवाली का तोहफा मिला हुआ जैसे. 4 विकेट से इंडिया जीत चुकी है. लेकिन आज हमने कैसे कैसे देखा और जब क्रिकेट के मैच होता है हमारे घर में कैसी सनसनाहट होती है, कितनी एक्साइटमेंट से स्टार्ट होता है और जब विकेट गिरती है तो कैसा होता है, तो सब देखना और एंड तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कमेंट करना कि आप डाई हार्ड फैन हो और आपके घर में भी ऐसा ही होता है या नहीं होता. तो स्टे ट्यून्ड और पूरा वीडियो एंड तक देखना. छोटी सी वीडियो है. इंडिया इंडिया बाबा मैच स्टार्ट हो गया. आपको कैसा लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कौन जीतेगा जल्दी बताओ. इंडिया इज ऑलवेज माय फेवरेट टीम, मेरी सबसे जो अच्छी टीम है वर्ल्ड में वो मुझे भारत देश की ही लगती है. बहुत बढ़िया प्लेयर, बहुत ग्रेसफुली खेलते हैं और दुनिया उनका खेल देख के प्रभावित होती है, खुश होती है. हर देश में इंतजार होता है कि कब इंडिया की टीम आए. और आज वैसे भी बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप मैच है और साथ में इंडिया पाकिस्तान का मैच है. इंडिया 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 इज द बेस्ट. ये आ गया है भास्कर अरोड़ा भी. भास्कर तू तैयार है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान? सुबह से बैठे हैं इंडिया पाकिस्तान के लिए. पहली बॉल शुरू हो रही है, भुवनेश्वर कुमार डाल रहे हैं. देख विकेट है. ओह चेस्ट हिट ऑफ बूम. देखो क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो पता तो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता कौन जीतेगा. इंडिया इंडिया क्यों जीतेगी इंडिया ये तो बता. क्योंकि आई एम इंडियन और इंडिया इज द बेस्ट. आई एम इंडियन और पाकिस्तान आई एम पाकिस्तानी. इंडिया इज द बेस्ट. क्या हो गया? आउट हो गया, आउट हो गया. ओ ये एक टेक आउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. क्या बात है, रिव्यू लिया है कि हम बच जाए लेकिन बचने की कोई उम्मीद है नहीं. पर वन आउट दिख तो रहा है. आज जो है हमारे यार बाबा जी की जड़ी बूटी लेके आए हैं. आउट दिख तो रहा है यार. आउट 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 आउट. सरदार ऑन हिज बेस्ट. सिंपल वन टू फिल्म सन स्पिन विजन प्लीज. यस 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 यस. देखा मैंने कहा था इनके जीतेगी. पहले पहले आउट. पाजी ने आउट करा दिया. पाजी ने आउट करा दिया. आउट है ना. मिसिंग डायरेक्शन हो सकती है. अभी देखो कि बच चुके हैं पापा गरीब. सीधे सीरियस हो गए हैं. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तो सीरियसनेस होती है मैच में. यार बाबर आजम की विकेट की बात है यार, तो मजाक नहीं है ना ये. लिखा था पाकिस्तानी अंदर बाबर. बाबर पाकिस्तानी होगा. कैप्टन है वहां का बाबर आजम. आउट है बाबर. तो जो रिव्यू था मैंने कहा था कि मिसिंग हो सकती है लेकिन मिस नहीं हुई. तो डायरेक्ट नेट पे जाके आउट कर दिया. आउट है विकेट आ गई है. फर्स्ट बॉल इंडिया इंडिया. ये इंडिया इंडिया. कितने जा रहे हो तुसी तो सैकड़ा मारना सी. आज ते गई तुहाडी विकटा. आज ते बल्ले बल्ले. हैप्पी छोटी दिवाली. बल्ले बल्ले दिवाली एंड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच. तो अभी तक हम ना सारे कर रहे थे सुबह से लेके सफाइयां और अब जो हो रहा है वो है ये मैच में. अब सब बैठ गए हैं, काम आप सब छोड़ दिए हैं. जो करने आए थे काम उन्होंने भी छोड़ दिए. ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखना है. जल्दी जल्दी करके सब निकल गए और इतना सन्नाटा हो गया ना गली में. मतलब ऐसा लग रहा था कि घर के आसपास सब लोग दिवाली की तैयारी वारी कर रहे होंगे, बट नहीं, वो सब लोगों ने कल और सुबह सुबह कर लिए. अभी सब एकदम साइलेंस मोड में घरों के अंदर. टीवी के आगे जिसके स्टेटस देखो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच स्टार्ट हो चुका है. अब हम भी वही कर रहे हैं भैया. बड़े स्ट्रेसफुल माहौल हो जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में. तो अब देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज जीते कौन वाला है. वैसे तो हम इंडिया के साथ ही हैं बिकॉज ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट. तो स्टे ट्यून्ड. स्ट्रेसफुल क्यों हो गया? पापा क्या हो गया? अभी एक विकेट और गिरनी थी, गिरी नहीं. क्लोज LBW पीस थी. ऐसे होता है ना जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जब थोड़ा सा भी कुछ आए तो एकदम से. क्या करूँ, भारत के 2 आउट हो चुके हैं. अब मैच बहुत टफ हो गया है और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ.
टेंशन तो है लेकिन फिर भी हौसला है, हौसला है, बुलंद है आपका, गेम जीतने के लिए लेट्स होप। चार आउट हो गए 31 पे, बहुत बेकार। मैं सोच रही हूँ यहाँ से उड़ जाऊँ क्योंकि मैच अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पाकिस्तान ने इतने अच्छे रन बना लिए, लास्ट ओवर में पूरा मैच खींच लिया, और इंडिया वाले ज़्यादा मुझे मैच ही समझ नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में तो देखना पड़ता है। मैं तैयार तक नहीं हुई दिवाली के चक्कर में, जस्ट बिकॉज आई वॉज वॉचिंग इंडिया पाकिस्तान। अगर इंडिया नहीं जीती ना दिल टूट जाएगा, हार्ट ब्रेक। जैसे इंडिया की विकेट गिरी है तो मैं इतना धीरे इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ना जैसे जैसे थोड़ा चांसेस ऐसे हो रहे हैं ना, जैसे पाकिस्तान जीत रहा है या मतलब पाकिस्तान थोड़ा अच्छा कर रहा है, हमारे घर में ना थोड़ा युद्ध का माहौल बन गया है। पापा को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा, अभी मैं वहीं पे बैठ के व्लॉग भी बना रही थी और मैच भी देख रही थी, तो पापा ने ना डांट के भगा दिया है, कह रहे हैं अगर ये विकेट गिरती जा रही है तो यहाँ नहीं बैठना। अभी मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, उनको लग रहा है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, इस चक्कर में इंडिया हार ना जाए। मतलब मैं दिल से चाहती हूँ इंडिया जीते, मैं भी अपना सारा काम निपटा के बैठी हुई हूँ। देखो आप कैसे, आज मैं बिल्कुल ड्रेस नहीं हुई, कुछ नहीं, दिवाली का सब कुछ छोड़ा हुआ है। मम्मी से डांट भी पड़ रही है और अब पापा से भी डांट पड़ रही है, और ये भास्कर चुपचाप कल्टी हो गए हैं यहाँ से, क्योंकि जैसे ही पापा गुस्सा आया है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जब सीरियसनेस होती है ना भाई साहब, यहाँ पर ऐसा युद्ध का माहौल बन जाता है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलो, बस अब फिंगर्स क्रॉस्ड प्रेइंग टू गॉड इंडिया जीत जाए, एंड विराट की परफॉर्मेंस बस कमाल कर दे, कमाल। होप एट बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यो इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, यो इंडिया इज द बेस्ट, वी आर विक्ट्री, विराट कोहली हमें जिता गए हैं बाय 4 विकेट्स, वी फॉर विक्ट्री, 4 विकेट्स, विराट कोहली। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल गाइस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने कर ली है, जीत ली है अपनी महारत, और हम जीत गए हैं इंडिया का मैच। सो चीयर्स टू ऑल, पार्टी तो बनती है। हैप्पी दिवाली इंडिया, इंडिया।